हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ बहुत ही बढ़िया खबर के साथ में, और ये खबर सुनते ही हमें बहुत खुशी हो रही है और आपको भी खुशी होगी ये जानकर कि जिन बच्चों के अभी तक जो दौड़ दौड़ करके हताश हो चुके थे, उदास हो चुके थे, जिनके पैर थम गए थे या कुछ अपना मन महसूस करके दौड़ भी रहे थे कि यार भर्ती तो आ नहीं रही है, हम लगातार दौड़े जा रहे हैं, प्रैक्टिस करे जा रहे हैं, तो क्या होगा, कब भर्ती आएगी। तो दोस्तों, जो कोविड या कोरोना चल रहा था, इसके चलते लगातार भर्तियां पोस्टपोन्ड हो रही थी, लगातार भर्तियों की डेट है जो आगे बढ़ रही थी। लेकिन अभी एक बहुत अच्छी अहम खबर आ गई है जो भी आपको बताऊंगा तो आप भी खुशी से फूले नहीं समाओगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये खुशी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप जान के उसे आप भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही वाराणसी में एक भर्ती के काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन फॉर्म भरे थे, लेकिन वो कोरोना के चलते वो भर्ती पोस्टपोन हो गई थी। लेकिन अभी खुशी की बात यह है कि वही भर्ती दोबारा, जो वहाँ के उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने उस भर्ती को दोबारा से भर्ती का आयोजन करने का फैसला ले लिया है। तो ये भर्ती दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और ये लेटर 20 सितंबर 2021 का ही जारी हुआ है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि रिक्रूट रैली एट रण वांकरे स्टेडियम फ्रॉम 8 नवंबर 2021 टू 15 दिसंबर 2021 अंडर आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस वाराणसी कैंट। तो ये लेटर जारी हो चुका है दोस्तों, तो इसमें ये लिखा है, तो जो जिन बच्चों ने ये फॉर्म फिलअप कर रखे हैं, वहाँ के जो उनकी जो पोस्टपोन हो गई थी, तो दोबारा से वो अपना दौड़ना शुरू कर दें, तैयारी शुरू कर दें कि ये भर्ती आने वाली है, इसकी डेट एकदम फिक्स कर दी गई है, तो इस डेट को ये भर्ती होगी। उसके बाद दोस्तों, आपको पता है कि उसमें लिखा भी है रिक्रूट रैली प्रोग्राम, इसमें ही लिखा है रिक्रूट रैली प्रोग्राम। तो यहाँ पर जो गोरखपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, जौनपुर, चंदौली एंड सोनभद्र, जो ये वाराणसी एआरओ के अंडर जो ये डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इनकी भर्ती का आयोजन किया जाएगा दोस्तों 8 दिसंबर टू 15 दिसंबर के दौरान। तो आप आराम से ये तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। तो आराम से अब अभी आप अपना अपना जो रेगुलर का रूटीन जो आपका चल रहा है, ये भर्ती अभी, लेकिन अभी भी क्या है, जैसे कल को रीट का बहुत बड़ा एक पेपर है, उसमें 25 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे जिन्होंने फॉर्म भर रखे थे। मुझे तो ये मतलब एक लगता है कि जब रीट के 25 लाख बच्चे पेपर दे सकते हैं, तो जगह जगह जो हमारी आर्मी की भर्तियां हैं, आर्मी की रैलियां हैं, उनको पोस्टपोन क्यों किया जाता है, जबकि आर्मी की भीड़ में तो इतने, क्योंकि ये तो डिस्ट्रिक्ट वाइज होती है, स्टेट वाइज होती है, तो उसमें इतनी बड़ी भीड़ भी नहीं पहुंचती है। उसके बावजूद भी हमारी जो आर्मी की रैली होती है, जो बच्चे हमारे लगातार दौड़ रहे हैं, उन चीज़ों से उतार हो रहे हैं, उनकी तो आप मतलब भर्ती को पोस्टपोन कर देते हो। और जो बहुत बड़े बड़े आयोजन हैं, अभी रीट है जैसे कि, उसमें 25-26 लाख बच्चे पेपर देंगे, कल का ही पेपर है उनका, तो उसके लिए आप भर्ती करा देते हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। इस बात को लेकर के सरकार को एक बहुत बड़ा फैसला उठाना चाहिए, एक अहम ठोस कदम उठाना चाहिए कि काफ़ी दिन से भर्तियां नहीं हुई हैं, और बच्चों की एज है, कि इसमें आपने एज लिमिट भी रखी हुई है 17.5 से, या 17 साल से 21 साल या 23 साल, तो 2 साल से कोई भर्ती नहीं हो पाई है, तो कुछ बच्चे तो ओवर एज भी हो रहे हैं, उनकी भर्ती की डेट निकलती जा रही है। इस बात को लेकर के सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए कि उनकी एज में उनको छूट देनी चाहिए, जो पहले 21 था, 17 से 21 था, उसको 17 से अभी 23 कर देना चाहिए, और जो 25 था उसको कम से कम 27 साल कर देना चाहिए, क्योंकि 2 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है कोरोना के चक्कर में। तो इसके डेट के बारे में जरूर सरकार को ये ठोस कदम उठाना चाहिए, बच्चों के सोचना चाहिए, काफ़ी बच्चे हमारे बेरोजगार रह गए हैं, और इसी एज के, जो उनकी एज निकलती जा रही है या निकल गई है, इस वजह से वो भर्ती नहीं देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ये बहुत ही अच्छी अच्छी खबर है आप लोगों के लिए। ओके दोस्तों, जय हिंद।